और ध्यान मांगी। एक बार क्यों होया, एक गांव में रामफल नाम का आदमी कोई बैठा हो तो बुरा ना मानियो, रामफल नाम का आदमी और सरपंच चुनाव में खड़ा हो लिया। अरे खड़ा क्यों हो लिया, दोनों धनी बीर ने बैनर बुनर छपवा दिए, पोस्टर लगवा दिए कि भाई रामफल को भारी वोट देकर विजयी बनाए, विजयी बनाए, विजयी बनाए, पतंग के निशान पर बटन दबाकर विजयी बनाए, विजयी बनाए, विजयी बनाए। सजनों सारी रात लोगों ने दारू पियाई, बढ़िया होटल में खाना खुआया और किले काले बेच के सारा सौदा ताम झाम बढ़िया जचा दिया था। सजनों झुककर तीन चार दिन बचे सरपंच चुनाव के, सरकार ने घोषणा कर दी कहा जिसका 5 बालक होंगे वो ही चुनाव में खड़ा हो सकता है, अन्यथा चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। सजनों राम फड़ाया भाग्या भाग्या, बोला ए रल दुखी माँ, ए रल दुखी माँ। बोली हाँ पियाजी, बोलो। बोला भागवन विघन हो गया नु, बोली पियाजी क्या हो गया नु, बोला सरपंच चुनाव नहीं जीते हम। रामफल की घराली नु बोली पियाजी क्यों, कौन जीते, सारी वोट अपनी से। रामफल बोला भगवान सरकार ने घोषणा कर दी कब जिसका 5 बालक होंगे वो ही चुनाव में खड़ा हो सकता है, अन्यथा चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। अब लुगाया का कच्चा दिल होया करे। रामफल की घराली नु कहने लगी पियाजी अपने तो दो ही बालक से, एक रल और एक मुन्नू, अब ये तीन और करें तो लेकर आवेंगे और करने भी लागत 27 महीने लाग जाएंगे। रामफल बोला भगवान तू चिंता ना करे, मैं तने सरपंच चुनाव जरूर जिताऊंगा। भगवान बोली पियाजी क्यों कर, नु बोले भगवान आज मैं तुझे अपनी जिंदगी का राज बताने जा रहा हूँ और ये राज तू किसी को बताना मत। रामफल की घराली ने बोली पियाजी कौन सा राज, बोले भगवान तू किसी तक बताइए ना मेरे तीन लुकमा से। रामफल की घराली ने बोली पियाजी ये लुकमा क्यों होया करे। रामफल बोला डट जा ला के दिखाऊंगा जब मेरा लगेगा। सजनों परले पासे में गया और तीन कुंगर लाके खड़े कर दिए, बोले भगवान देख तीन तो ये लुकमा हो गए और दो अपल तेरल दू और मुन्नू हो गए, अब आप सरपंच चुनाव जरूर जीतांगे। रामफल की घराली ने बोली ना पियाजी कौन जीता। रामफल बोला 5 हो तो गए। रामफल की घराली ने बोली ना कौन होए, जिस प्रकार आप अपने तीन लुकमा लेके आए थे या अपलटे दो किसी और के लुकमा थे वो ले गया। पारे एक गांव में घना पतला छोरा, इतना पतला मेरे की डाल मान लो, पर मैं भी थोड़ा मोटा हो गया, इतना पतला आंख लगा के देखा आर पार दिखन हो जा। उसकी माँ उसने डॉक्टर दौरे लेगी, डॉक्टर साहब मारे छोरे ने देखियो इसका ना घी लागता ना दूध लागता ना बादाम लागते ना चमनप्राश लागता, डॉक्टर साहब दुखी होगी इसका के लागेगा। डॉक्टर बोला इसने घर ले जाओ इसका दाग लागेगा। एक बार एक गांव में दो बुढ़िया में शर्त लागी, एक का मैं शाना दूसरा का मैं शाना, फैसला नहीं हो कौन से शाना। अब दोनों ने सलाह मिलाई कि भाई दिल्ली वाली बस में बैठ ले और जो बिना किराया दे दिल्ली पहुंच जाएगा वो शाना। एक बुढ़ा आगे चढ़ लिया, एक पास चढ़ लिया। अब पहले बुढ़े दोनों कंडक्टर आया का बोले ताऊ टिकट काट, ताऊ ने दिमाग लगाया बोले भाई पिछाना नहीं मैं तेरे गाँव का राम फड़, बोले तू बावड़ी पूछ मत बना टिकट काट। अब ताऊ ने और दिमाग घुमाया बोले भाई कंडक्टर एक बात बता, जिस बस में तेरी बाण बैठ जाए उस टिकट ले होगा तू। कंडक्टर बोला ना था उसने तो मान सम्मान के 11 रुपए भी दूंगा, चाह भी पियाऊंगा, केले भी दुआऊंगा, टिकट भी नहीं लूं। ताऊ बोला भाई एक काम कर तू 11 रुपया की विटाल कर, चाह की विटाल कर, केले की विटाल कर, टिकट छोड़ दे, सोच ले बस में तेरी बाण बैठ गई थी। अब कंडक्टर ने सोची इतनी उम्र का बुढ़ा तेरी बाण बन गया, क्या टिकट लेगा, आगे गया वो दूसरा जो कोई बैठा उस तक जाके बोला था वो टिकट, बोल भाई तू मैं भी को ना टिकट, बोल तू क्यों ना दिया, नुक तू अगला बुढ़ा की नाली, नुक वो मेरी बाण बन गया मैंने नू नाली, बोल भाई फिर मैं भी ना दू, बोल तू क्यों ना दिया, बोला नू सोच लिया बस मैं तेरी बाण गल तेरे जीजो बैठ गई।